बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह संयोजक रामकिशोर शिवरे के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के घमापुर चौक से कांच घर चौक तक अब की बार केजरीवाल नारों के साथ परिवर्तन रैली निकाली गई। आप नेता आज मनीष तोनकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता यहाँ से चुनाव जीते आ रहे हैं, ये कोई युवा नेता नहीं है। जनता अब विकास चाहती है और परिवर्तन चाहती है। पार्टी के द्वारा आज घमापुर चौक से कांच घर तक बदलाव की रैली निकाली गई है एवं आम जन को गारंटी कार्ड दिया जा रहा है कि जो भी सरकारें हैं ऐसा कोई सा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे आम जन सुखी हो। हर मुद्दे पे कोई ना कोई बहुत परेशान है। इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हम बदलाव की रैली निकाले हैं और आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा ही विश्वास है कि मध्य प्रदेश में इस बार हमारी सरकार बनेगी। ये जो विधानसभा है ये दो दिग्गज लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस से, तो लग रहा है यहाँ से जीतना पॉसिबल होगा? देखिए क्या है, ये अपने आप को युवा नेता तो कहते हैं लेकिन अगर इनकी उम्र देखी जाए तो एक की उम्र 60 साल तो दूसरे की उम्र 70 साल, तो इसके लिए युवा नहीं है। दूसरा 20-25 साल से दोनों पक्षों को आम जन ने देखा, दोनों का राजनीतिक साल, तो आम जन अंदर जानती है कि उसे किसे वोट दे। तो ये तो चुनाव का पक्ष बताएगा कि इस समय क्या रिजल्ट आता है। जो हमारा भरोसा विश्वास है वो हमें आपको बता दें। आपका नाम बता दें। मैं एडवोकेट मनीष हूँ। पूर्व विधानसभा में बदलाव यात्रा, परिवर्तन यात्रा जो हर विधानसभा में निकाली जा रही है, तो पूर्व विधानसभा में आज निकाली गई घमापुर चौक से हम साथ प्रारंभ करके कांचघर चौक से फिर वापस घमापुर चौक पहुँचकर यह यात्रा सम्पन्न हुई। और ये यात्रा का यह संदेश है कि जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी आम जनता के लिए दी है, उन गारंटी को जनता के बीच में प्रसार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाओं के लिए पेंशन, बेरोजगारों के लिए रोजगार और बेरोजगारी भत्ता जैसे तमाम योजना और आने वाले 2023 में यह बदलाव होने जा रहा है। पंजाब के विधायक और मध्य प्रदेश सह प्रभारी रजनीश दहिया के नेतृत्व में वरिष्ठ समाज सेवी असलम वारसी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। असलम वारसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छा विकास कार्य किया जा रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया हूँ। इस मौके पर मध्य प्रदेश सह प्रभारी आम आदमी पार्टी एडवोकेट रामकिशोर शिवरे, आम आदमी पार्टी जबलपुर जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्वाइनिंग कर रहे हैं पार्टी में, इसके बारे में बता दी। हमारे असलम वारसी जी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नीति में आम आदमी पार्टी की जो अभी तक की दिल्ली और पंजाब में परफॉर्मेंस रही है और पंजाब और दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियाँ थी, जो गारंटियाँ ये वही गारंटियाँ जो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी देते हैं, और उन्हीं गतिविधियों और पार्टी के डेवलपमेंट कार्यों को देखकर हमारे असलम वारसी जी आज आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बने। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इनके भविष्य की शुभकामनाएं परमात्मा से करता हूँ। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश के बीच में रहेगा और मध्य प्रदेश के लोगों से मैं यह अपील करूँगा कि आपने अभी तक हमेशा रिवायती पार्टियों को अपनाया, एक बार एक मौका आम आदमी पार्टी को दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूलों की बेहतर हालात बने, अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छी सेहत सुविधाएँ मिले, रोजगार मिले, बेरोजगारों को नौकरियाँ मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, तो आप एक मौका अरविंद केजरीवाल को दें आम आदमी पार्टी। जैसा कि मैं समाजिक सेवा करता रहा हूँ और आम पार्टी का उसको सहारा मिलेगा और पूरी जिंदगी और उनको मतलब तरक्की का रास्ता देंगे आम पार्टी को। और आम पार्टी ये चाहती है कि मतलब ईमानदारी से समाजिक सेवा करें। अच्छा, आपका नाम बताओ। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अबिदुल्लागंज नगर परिषद के ग्राम विशनखेड़ा के राम मंदिर से जुलूस शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अबिदुल्लागंज क्षेत्रीय यादव समाज के पदाधिकारी गण, अन्य गणमान्य लोग और समाज सेवी उपस्थित थे। साथ ही साथ प्रखंड क्षेत्र के दूर दराज गाँवों के लोग भी अपने अपने जुलूस के साथ आए हुए थे। इस जुलूस में राधा कृष्ण की सजीव झांकी अखाड़ा और यादव समाज के लोग लैंगी डंडा खेलते हुए शामिल हुए। वहीं अब्दुल्ला नगर में सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह स्टॉल लगाकर प्रसाद फल वितरण किया और भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजन की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।